पैथोफिजियोलॉजी के पार्ट थ्री में आपके सामने फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के ऐसे ट्यूटोरियल पे। आज हम बात कर रहे हैं इसके कुछ जनरल क्वेश्चंस की जो कि एमसीक्यूज क्वेश्चन एग्जाम में कई डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं या फिर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी फार्मेसी फील्ड के किसी भी एग्जाम की तो आपके लिए है ये सारा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हाइपरट्रॉफी ऑफ ए मसल इज ड्यू टू। सब जवाब दीजिएगा, आपके पास थोड़ा सा टाइम मैं दूंगा और आपको वीडियो पॉज करिएगा जब मैं टाइम नहीं दूंगा तो आप उसको बाद जवाब दीजिएगा। तो सही ऑप्शन है इसके पहले सवाल का दी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इंक्रीजिंग साइज ऑफ द सेल। रिप्लेसमेंट ऑफ वन एपिथीलियम बाई अदर इज दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड मेटाप्लेजिया। थ्री, डिस्प्लेजिया रिफर्स टू, थ्री दिस इज ऑप्शन नंबर ए चेंज इन मॉर्फोलॉजी। फोर, मोस्ट ऑफ द आयरन इन द आरबीसी इज लोकेटेड इन, फोर एंड द राइट ऑप्शन इज सी हीमोग्लोबिन। फाइव, इन आयरन एक्सेस स्टेट व्हाट शुड बी अवॉइडेड, फाइव एंड द राइट ऑप्शन इज सी फोलिक एसिड। सिक्स बी, एपोप्टोसिस कैन बी डिफाइंड एज, सिक्स एंड द राइट ऑप्शन इज बी प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेवन, इन परनीसियस एनीमिया द इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय द डैश 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 सेल विच आर फाउंड इन द गैस्ट्रिक म्यूकोशा। किस सेल की बात हो रही है यहाँ पे? दिस इज द राइट ऑप्शन इज सी पेराइटल सेल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एट, फॉलोइंग इज द नॉर्मल और इंक्रीज इन थैलेसीमिया, एट एंड द राइट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ द अबव। नाइन, परनीसियस एनीमिया इज फॉर्म ऑफ विच क्लास ऑफ एनीमिया, नाइन एंड द राइट ऑप्शन इज ए मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक। टेन, विच ऑफ दीज आर द साइंस ऑफ एनीमिया, टेन एंड द राइट ऑप्शन इज ए पेल गम। इलेवन, हाउ डज एनीमिया अफेक्ट द बॉडी, इलेवन एंड द राइट ऑप्शन इज सी द ब्लड डज नॉट डिलीवर इनफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। ट्वेल्व, सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड इन बीटा ग्लोब्यूलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन बाई, ट्वेल्व ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वैलिन। थर्टीन, एनीमिया इज कॉमन कंडीशन, वॉट हैपन्स वेन अ पर्सन हैज एनीमिया, ठीक है एनीमिया का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, द बॉडी डज नॉट हैव इनफ आरबीसीज। 14, एलिमेंट फाउंड एट द सेंटर ऑफ कोरिंग रिंग इज कोबालामिन इज, ठीक है कोबालामिन नाम से लग रहा है, कोबालामिन जवाब मिल गया होगा, जी हाँ कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 15, कोन्स डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिजीज या डिसऑर्डर, ठीक है या सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू इज करेक्ट। 16, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोन्स डिजीज, 16 एंड द राइट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ द अबव। 17, स्मोकिंग इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ क्रोन्स डिजीज, 17 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ट्रू। 18, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बोन। 19, द शेप ऑफ नॉर्मल रेड ब्लड सेल इज, आरबीसी का शेप कैसा होता है सबको पता है, जी हाँ वो डिस्क शेप होता है, दस्त्रीनुमा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 20, हाइपरप्लेजिया जनरली मीन्स, ठीक है बहुत अच्छे क्वेश्चन सिलेक्शन है, ऑप्शन नंबर बी है इंक्रीज सेल प्रोडक्शन इन नॉर्मल टिश्यू। 21, नेक्रोसिस इज ऑप्शन नंबर सी इज नॉन रिवर्सिबल। 22, मोनोसाइट्स आर, 22 ऑप्शन नंबर ए इज फैगोसाइटिक सेल्स। 23, द एपिडर्मिस ऑफ इज द स्किन इज द ऑप्शन नंबर बी इज आउटर लेयर। 24, वॉट डायग्नोस्टिक टेस्ट कैन बी यूज टू डिटरमाइन जी एफ आर एज वेल एज ग्लोमेरुलर डैमेज। 24 एंड द ऑप्शन इज डी क्रिएटिनिन क्लियरेंस। 25, द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी आर, 25 एंड द राइट ऑप्शन इज बी नेफ्रॉन्स। 26, सिस्टाइटिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द, किसके इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है यहाँ पे, जी हाँ दिस इज डी यूरिनरी ब्लैडर की बात हो रही है। 27, एरिथ्रोप्रोटीन प्रोमोट्स द सिंथेसिस ऑफ इन द बोन मैरो। 27 एंड द राइट ऑप्शन इज सी आरबीसी। 28, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज, करेक्ट ऑप्शन इज ए एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। 29, द जॉइंट मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस आर, द राइट ऑप्शन इज बी द हैंड फीट एंड रिस्ट। 30, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज,
ऑप्शन नंबर सी इज कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। ठीक है, ये रहे आपके सारे आंसर। और ये हैं दीपाली टोरने जी, जो कि मुखेड़ से हैं, मुखेड़ महाराष्ट्र से। तो इनका कॉलेज है लीलावती अवध कॉलेज ऑफ मुखेड़। थैंक यू सो मच दीपाली जी, आपके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के कलेक्शंस के लिए। बहुत अच्छी प्यारी स्माइल है आपकी। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं बाकी स्टूडेंट्स हमारे साथ लर्न एंड अर्न कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ चाहते हैं अर्निंग करना एमसीक्यूज भेज के, तो आप रजिस्टर करिए आज ही अपने आप को gpat.kslpharmacy.com के साथ, या आप मुझे डायरेक्ट एमसीक्यूज भेज सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप नंबर मेरा आपके पास होगा ही, आप मुझसे बात कर सकते हैं। या फिर मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे वहाँ पे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो कितने सवालों का जवाब आपका सही था आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।